जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6+8 का टेस्ट है जी, सेकंड टाइम का। इसको ज़रा हम देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन आर इन दी ऑर्डर ऑफ। तो डेल्टा ऑप्शन है जी, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा और आयोडीन की सबसे कम। तो सेकेंड एमसीक्यू, इन विच मॉलिक्यूल ऑल एटम्स आर कोप्लैनर। तो बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, ये कोप्लैनर होता है जी। तो ये 120 का एंगल होता है, ये सारे एक ही प्लेन में होते हैं। थर्ड है जी, द ऑक्टेट रूल इज़ नॉट फॉलोड इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो डेल्टा ऑप्शन है SF6। इसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं वो 12 हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्टेट रूल सिर्फ 8 तक है। इसके बाद है जी, विच मॉलिक्यूल हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन इट। तो ये जी चार्ली है, N2। इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, CH4 में होते नहीं हैं, O2 में 1 पाई बॉन्ड होता है, और इथीन के अंदर जो है ना 1 पाई बॉन्ड है। फिफ्थ एमसीक्यू, आ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इक्वल टू। तो बीटा ऑप्शन। इसके बाद है जी, लेटरल ओवरलैपिंग इज एक्सपेक्टेड टू। तो ये लेटरल ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग एक ही बात ही होती है, तो ये पाई बॉन्ड में होती है। जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड होती है जी, वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में होती है। तो इसका बीटा ऑप्शन जी। सेवन्थ है, पाई बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी। तो ये है जी, चार्ली अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस, और जो सिग्मा बॉन्ड होती है वो अलॉन्ग द न्यूक्लियर एक्सिस होता है। एट्थ है जी, द CC बॉन्ड लेंथ इन इथीन। तो ये 133 PM होती है पिकोमीटर, बीटा ऑप्शन। इसके बाद है जी, 9th, द POH ऑफ 10^-3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। तो इसकी पहले हम pH मालूम करेंगे जी, वो pH आएगी 2.7, तो POH बन जाएगी 11.3, 14-2.7। तो 10th है जी, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो ये ऑल ऑफ दीज होता है जी, KA जो उसकी डायरेक्ट मेजरमेंट होती है, वैसे pH भी, और PK उसकी इनडायरेक्टली हम उसको देखते हैं जी, अपना उसकी स्ट्रेंथ को। 11th है जी, द यूनिट ऑफ KC फॉर द रिएक्शन। तो ये पर मोल डेसीमीटर क्यूब, तो ये होता है जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब पावर Δn। यहाँ पर Δn -1 में चला जाएगा, तो वो पर मोल और DM क्यूब हो जाएगा। 12th है जी, द POH वैल्यू ऑफ 0.001 मोलर HCl सॉल्यूशन इन वाटर इज। इसकी जो pH हम मालूम करेंगे, तो ये 10^-3 में आएगा, -log(10^-3). तो इसकी pH जो होगी वो 3 होगी, और POH इसकी बन जाएगी 11। तो ये अल्फा ऑप्शन है जी। 13 है, pH ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ये बीटा ऑप्शन, 7.35। आगे जी, द KSP है द यूनिट्स ऑफ मोल स्क्वायर DM -6। तो ये बच्चे जहाँ पर S2 आता है जी, तो वो दो आयन हूँ जहाँ पर, तो वो S स्क्वायर में आएगा। तो इसमें अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी, द pH ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं बच्चे, उनमें कार्बोनिक एसिड होता है, तो वो <7 होती है, एसिडिक pH होती है, स्लाइटली एसिडिक होता है जी, बीटा ऑप्शन। 16 है जी, द pH ऑफ अ बफर सोल्यूशन हैविंग 0.01 मोलर सोडियम एसीटेट एंड 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, तो वो जी 3.74। तो इसका जो pK प्लस लाग इस सॉल्ट कंसंट्रेशन ओवर एसिड कंसंट्रेशन, इसका ये होता है। तो इसके बाद है जी हमारे पास इसका ऑप्शन बीटा। 17 है, द KSP ऑफ AgCl इज 2.0×10^-10। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन, तो ये S स्क्वायर होता है जो, तो इसका हम अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट, तो ये आएगा बीटा ऑप्शन 1.4841×10^-5। 18 है जी, बफर एक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। तो ये ऑल ऑफ दीज आता है जी। इसके बाद है 19, सोलबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एक्सोथर्मिक। तो जब एक्सोथर्मिक होगी, तो टेम्परेचर जितनी लो रखेंगे, तो उतनी उससे हीट खारिज होगी, तो वो सॉल्युबिलिटी इनक्रीज करेगी। तो इसका एट लो टेम्परेचर बीटा ऑप्शन। 20th है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एफर्ट्स, एफर्ट तो नहीं बल्कि इफेक्ट्स विल चेंज KC फॉर द रिएक्शन।
तो टेम्परेचर ही है जी जो सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकता है, जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं तो ये उसी को चेंज करता है। तो ये हमारा जी आज का पेपर था इवनिंग शिफ्ट का। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।